वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल ज्ञान विजर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं अजमल। आज हम लोग स्टैंडर्ड 10 मैथ्स एनसीईआरटी की बुक से वर्ड प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैसूर और बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर डिस्टेंस है। अगर एक्सप्रेस ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो हमें 1 आवर जो है लेस लगता है कंपेयर टू द पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर ज़्यादा है। इस सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर मैंने ट्रांसलेट कर लिया है। ये कंडीशन दी हुई है कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो टाइम लेती है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर लेस है, मीन्स T1 - T2 = 1। हमें टाइम का फार्मूला मालूम है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। T1 इज द टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन, डिस्टेंस इज 132 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी हम लोगों ने x किलोमीटर पर आवर जो है यहाँ पर अज्यूम किया हुआ है। T2 डिस्टेंस सेम रहेगी 132 और यहाँ पर जो स्पीड है x+1 दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 132 हम लोग जो है कॉमन ले सकते हैं, 1/x - 1/x+11 = 1। 132 को जो है यहाँ पर x + 1 कॉमन हो एलसीएम हो जाएगा, x कैंसल 11, x + 11 - x = 1, -x + x कैंसिल हो गया। तो 132 मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 11x = 1। x का स्क्वायर प्लस 11x - 132 × 11 = 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गया। इसको हम लोग जो है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। 132 जो होता है 132 × 11 = 12 × 11 × 11, 3 × 4 × 11 × 11, 11 × 4 = 44, 11 × 3 = 33। That means x का स्क्वायर प्लस 44x - 33x - 132 × 11 = 0। x यहाँ पर जो है कॉमन ले लेते हैं, x + 44 - 33 कॉमन ले लेंगे, x + 44 = 0। यहाँ पर x + 44 कॉमन हो जाएगा, x - 33 = 0, x + 44 = 0 और x - 33 = 0। x + 44 = 0, therefore x = -44 और x = 33। स्पीड जो है निगेटिव यहाँ पर जो है नहीं होगी, इसलिए ये हमारा फिजिबल नहीं है। तो x = 33 आंसर है। तो पैसेंजर की जो ट्रेन की जो स्पीड थी x = 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। x+1 हम लोगों की जो है यहाँ पर x+11 तो x + 11 = 33 + 11 = 44 किलोमीटर पर आवर। ये हम लोगों की जो है एक्सप्रेस ट्रेन की जो है स्पीड हुई। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 2 स्क्वायर दिए हुए हैं और यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि इन दोनों स्क्वायर्स की एरिया का सम a1 + a2 468 है।
और इनके पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है। यहाँ पर मैंने अज्यूम किया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन y। देखिए ये मेरा स्क्वायर है, इसकी साइड x है और इसकी साइड y है, तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 4 टाइम्स साइड x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू दी x माइनस 6। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468। किसी स्क्वायर की जो एरिया होती है उसके साइड का स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। यहाँ पर हमें x के टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो हम लोग y की जगह x माइनस 6 जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 स्क्वायर इक्वल टू 468। इसको ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 468। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 जो है कॉमन, 2x स्क्वायर माइनस 12x, 8 माइनस 6 इज 2, 6 माइनस 3 इज 3, 432 इक्वल टू 0। 2 यहाँ पर जो है कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x 216 इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 216 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 216 इक्वल टू 0। इसको हम लोग जो है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, 216 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, फोर एंड थ्री इज 12, 18 इंटू टू इंटू टू फोर, फोर थ्री जै 12, थ्री थ्री नाइन, नाइन टू जै 18, 18 एंड 12 एंड डिफरेंस इज 6। तो ये हमारा जो है आ जाएगा। इसके हम लोग फैक्टर्स कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x है तो बड़ा नंबर माइनस हो जाएगा, माइनस 18x प्लस 12x प्लस 216 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 18 और माइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी ये नंबर हम लोगों का जो माइनस आएगा, माइनस है, माइनस है, दिस इज द माइनस, माइनस, और यहाँ पर जो है 12 कॉमन लेंगे, x माइनस 18 इक्वल टू 0, x माइनस 18, x प्लस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 12 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू माइनस 12। देखिए साइड जो है निगेटिव नहीं होगी, इसलिए जो है ये फिजिबल नहीं है, x इज इक्वल टू 18 हमारा आंसर होगा। ये तो इस स्क्वायर की साइड आ गई, दूसरे स्क्वायर की जो साइड है y इक्वल टू दी, y इक्वल टू x माइनस 6, 18 माइनस 6 इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 18 एंड y इक्वल टू 12, ये हमारे जो है
आंसर हुआ। इस तरह से आज एक्सरसाइज 4.3 के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।